कोयटा में अलमनाक हादसा। कला सैफुल्ला रोड पर तेल बरदार ट्रक और मुसाफिर कोच में तसादुम के बायस 13 अफराद जान बहक। आपको बताते चलें कि मुतादित अफराद जख्मी भी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कला सैफुल्ला के मुताबिक कोच में ईरानी डीजल स्मगल किया जा रहा था। बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला में कान मेहतरजई के करीब ट्रक और मुसाफिर कोच में खौफनाक तसादुम के बाद आग लग गई। हादसे में 13 अफराद जान बहक जबकि मुतादद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हादसे में जान बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डिप्टी कमिश्नर कला सैफुल्ला ने कहा कि मुसाफिर कोच डेरा गाजी खान से कोयटा जा रही थी। कोच में ईरानी डीजल स्मगल किया जा रहा था। मजीद कहा कि जान बहक मुसाफिरों का ताल्लुक डीजी खान लोरालई और कोयटा से है। वाकई में झुलस कर एक शख्स जख्मी जबकि एक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई।